2 weeks in Shanghai. In 2 weeks? Yeah, are you excited? I'm nervous. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मलाइका वॉइस। व्यूअर्स, रिसेंटली अदाकारा दुर्रे फिशा सलीम ने इंटरव्यू देते इश्क मुर्शद के फैंस को एक बहुत अहम मैसेज दिया। अदाकारा ने बताया कि इश्क मुर्शद ड्रामे से इन्हें बहुत शोहरत हासिल हुई है और इन्हें भारत से ऑफर्स आ रही हैं। शिब्रा और शामिर की केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया गया। अदाकारा ने इंटरव्यू देते बताया कि ड्रामा इश्क मुर्शद से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शोहरत मिली। मैं ड्रामा इश्क मुर्शद के बाद आराम से घर से बाहर नहीं जा सकती। फैंस बहुत प्यार करते हैं लेकिन सम टाइम्स मदा काफी बुरा भी कह रहे होते हैं। अदाकारा ने इंटरव्यू देते फैंस को ये भी कहा कि ड्रामा को रियल ना समझ लिया करें, उसे ड्रामे की हद तक देखा करें। इश्क मुर्शद ड्रामा अपनी एंडिंग की तरफ को है। अदाकारा ने फैंस को कहा कि आप परेशान मत होना, व्यूअर्स ड्रामा इश्क मुर्शद में शामिर और शिब्रा में से कोई फोत हो जाएगा, जिसकी वजह से मदा काफी सैड नजर आ रहे हैं। अदाकारा ने इंटरव्यू देते इश्क मुर्शद ड्रामा देखने वालों के लिए हौसला रखने की बात की और कहा कि इतना प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया। अदाकारा ने बिलाल अब्बास के साथ अपने काम करने के हवाले से बात की। दुर्रे फिशा सलीम ने बताया कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए, मदाओं ने हमारी केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया। और अदाकारा ने ये भी बताया कि इश्क मुर्शद की लास्ट एपिसोड पर मैं बहुत नर्वस हूँ, फैंस का क्या रिएक्शन होगा ये मुझे मालूम नहीं। I'm nervous. Fun hoga, but it's the same feeling. What if I don't do well and everything? You should not be thinking like that. I think it's gonna go. So I hope it does well. I hope the audience like. Remember walking on the set and I was like, "Pata nahi, he's gonna throw a tantrum or what?" Because you know, new girl and everything. He walked in and he was so friendly, and then we bonded the next 2 days and like connected on so many levels and everything. So now like. So वो बड़ी सीरियस किस्म की कॉन्वर्सेशंस होती हैं आपकी, थॉट प्रोवोकिंग। We have very spiritual conversations. I love how I have a balance with every co-actor that I work with. व्यूअर्स, आपको क्या लगता है ड्रामा इश्क मुर्शद की लास्ट एपिसोड में क्या होगा? कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। पाकिस्तानी शोबिज़ की लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी ईमानिल्लाह।